मेरे को तो लगता है कि संजय राउत राजनीतिक छोड़कर लोगों की निजी जिंदगी में कौन किधर आता है किधर जाता है उसके ऊपर डिटेक्टिव एजेंसी खोल के रखी है। आज ही मियाँ सलीम जावेद की जोड़ी में से हमारे जावेद भाई ने एक फोटो ट्वीट की जो बावन कुले साहब की जो परिवार के साथ दिवाली पे विदेश गए हुए थे और वेनेशियन होटल में नीचे कैसीनो है, कैसीनो में वो टेबल पे बैठकर चाहे वो कैसीनो खेल रहे थे नहीं खेल रहे थे मुझे पता नहीं, अगर वो खेल भी रहे थे तो भारत में देश में भी गोवा में कैसीनो अलाउड है। तो इस तरह से कोई अगर परिवार के साथ घूमने गया हुआ है और इतनी छोटी स्तर की राजनीति अगर संजय राउत लेकर आ गए तो कौन से आपके जो परिवार के लोग हैं लंदन जाते हैं, लंदन में क्या क्या करते हैं, इस तरह से अगर डिटेक्टिव एजेंसी लगाकर या पीछे पीछे कैमरा लेके दूरबीन लेके घूमकर किसी की निजी जिंदगी में घुसना चालू करें तो क्या स्तर राजनीति का रह जाएगा। मुझे लगता है कि इतनी छिछोरी और छोटी हरकत संजय राउत ने जो आज की है इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राउत साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे जो 25 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं कृपया वो तो आज तक आपने मुझे वापस दिए नहीं, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपने दिमाग का इलाज कराइए। मैं आपको सच में बताता हूं, आप मेरे जूने दोस्त थे, कितनी बार हम लोग साथ में हयात में बैठे कॉफी पिए, आप मेरे घर पे आए मैं आपके पास आया, लास्ट 2019 से मुझे दुख होता देखते हुए किस तरह से आपका मानसिक संतुलन आपका खो चुका है। आप इतने होशियार समझदार इंसान थे लेकिन जिस जैसे आपकी उम्र बढ़ रही समय बीत रहा है आप कहीं ना कहीं आप कोई ऐसी बीमारी के शिकार है जिसका इलाज कराने की बहुत जरूरत है, तो उस पैसे में से आप अपना इलाज करा लीजिए और कृपया स्वस्थ हो जाइए मेरी ऐसी कामना है, और नए साल में भगवान आपको सद्बुद्धि दे ऐसी मेरी महादेव से प्रार्थना है। धन्यवाद। मला वाटतं संजय राऊत असतील, नाना पटोले असतील हे वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत आणि सकाळी उठल्यावर अशा प्रकारचं काहीतरी निराधार शोधायचं आणि पब्लिसिटीत राहायचं अशा प्रकारचा त्यांचा प्रयत्न अलीकडच्या काळात सतत दिसतोय। सन्माननीय आमचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेब हे मकावला ज्या हॉटेलमध्ये होते सहकुटुंब त्याच हॉटेलमध्ये खाली ते रेस्टॉरंट आहे आणि अशा वेळेला कुटुंब असताना कौटुंबिक त्या ठिकाणी ते गेलेले असताना त्याचा वेगळ्या अर्थानं त्या ठिकाणी ट्विट करून राजकारण करणं मला वाटतं हे शोभणारं नाही आहे। आणि दुसऱ्याकडे बोट दाखवत असताना आपली बोटं बरबटलेली आहेत हे संजय राऊतांना त्या ठिकाणी कळायला हवं का मुद्दा म्हणून संजय राऊत आदित्य ठाकरेंना डॅमेज करण्यासाठी अशा प्रकारची गोष्ट काढतात, कारण आपण असं केलं की आम्ही लोक आदित्य ठाकरेंचे दारू पितानाचे फोटो बरोबर आहे ना आणि नाना पटोलेचे बारमधले फोटो हे त्या ठिकाणी रेस्टॉरंटमधले फोटो हे त्या ठिकाणी आम्हालाही नाईलाजाने करावे लागतात। मला वाटतं संजय राऊतांचा खूप राग आदित्य ठाकरेंवर दिसतो आहे कारण उद्धव ठाकरेंनंतर संजय राऊत नेते असं त्यांना वाटतं आणि त्याच्यामुळे आदित्य ठाकरेला बदनाम करण्याची संधी ते एक पण सोडत नाहीत, त्यातनंच मला वाटतं त्यांनी हे ट्विट केलं असावं। पण ज्या पद्धतीने ह्या वैयक्तिक टीका होत चाललेल्या आहेत राजकारणाची पातळी आहे ती कुठेतरी सोडून ह्या टीका होतात असं वाटतं नाही, आपण राजकारणाची पातळी कोण सोडतोय ते प्लीज तपासून घ्या। आता अशा प्रकारचं कुटुंबात समवेत जर गेलेले असताना त्याची राजनीती करणं योग्य आहे का? आणि मग दुसऱ्याने एक मारल्यावर भारतीय जनता पार्टी आम्ही बघत बसायचं का? तुम्ही अशा प्रकारचे धंदे दिवसा ढवळ्या रात्री करत असता आम्ही राजकारणाची पातळी पाळायची म्हणून आम्ही काही ट्विट करत नाही मीडियात देत नाही, परंतु आपण जर आम्हाला मजबूर केलं तर या गोष्टी त्या ठिकाणी येतात बरोबर समोर।